आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पिक्सॉक 2.1 और क्यूब, इसके बारे में हम कैसे से यूज़ करेंगे। ये इसकी मैनुअल है, ऑलरेडी निकला हुआ ये बॉक्स है इस दिखाने के लिए क्या क्या आइटम आएंगे इसके अंदर। देख सकते हैं ये केबल सेट आएगा, पावर मॉड्यूल आएगा, ये I2C टेंशन आएगी, साथ में ये फॉर्म आएंगे 3M, ये हार्ड माउंट करने के लिए स्क्रू हैं जो कि हम अपने फ्रेम में कर सकते हैं। ओके, इसमें सारी केबल्स हैं, बजर, USB केबल, पावर केबल, ये पावर मॉड्यूल है इसका, भैया पावर ब्रिक, इसे पावर ब्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये इसका हम ओवरव्यू देते हैं। कनेक्शन सेटअप है, इसको मैं फिर से दोबारा दिखाऊंगा। मेनली हमारा ये इसका, ये हमारी मैन है, क्यूब है जिसे बोलते हैं पिक्सॉक 2 क्यूब। ओके, ये कैरियर बोर्ड है, कैरियर बोर्ड में हम बाकी सारे कनेक्शन देंगे, जैसे ये मैन आउट में हम 1, 2, 3, 4 एक क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं तो यहाँ मोटर के आउटपुट आएंगे। ओके, ये RC इन जाएगा रिसीवर से इसमें, और इधर मैं दिखा दूँ इस साइड में तो आपका टेलीमेट्री पोर्ट GPS 1, ये हमने टेलीमेट्री कनेक्ट कर रखी है इससे, ये GPS 1 पोर्ट है, ये 2 GPS है ये हमारा। ओके, और ये अभी सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल, अब लेटेस्ट कैन GPS आ रहा है जो कि हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं कैन पोर्ट पर। तो ये हैगा इसका पूरा सेटअप सिंपल, और यदि हम देखें आपको दिखाएं तो Power 1, Power 2 इसका, ये Power 1 है ब्रिक के लिए, ये ऑक्सिलरी पावर दे सकते हैं क्योंकि इस ये क्यूब में 3 सोर्सेस से पावर ले सकता है, ब्रिक से ले सकता है, दूसरा भी हम दे सकते हैं ऑक्सिलरी, और साथ में USB से भी सिलेक्ट कर सकता है। तो रिडंडेंट पावर सप्लाई के लिए हम इन दोनों पोर्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा आता है रिसीवर, एस पर आउटपुट है ये XLR रिसीवर के साथ में हमने इसमें दे रहे हैं, तो सारे 8 चैनल हमें और यह 16 चैनल भी दे सकते हैं यदि देना चाहें यूज़ करने के लिए। ओके, और बाकी इसमें अभी यूज़ के लिए बाद में है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं टेलीमेट्री 1 हैगा, ये हमने आरएफटी कनेक्ट कर रखी है इसमें टेस्टिंग के लिए, और GPS 1 पोर्ट पर GPS है, और यदि हमें सेकेंडरी GPS लगाना है तो GPS 2 केबल यूज़ कर सकते हैं, ये केबल अलग है, पिन आउट नंबर ऑफ केबल्स अलग हैं क्योंकि इसमें हम सेफ्टी स्विच, ये जो LED है ये सेफ्टी स्विच है एक्चुअली में, तो इसको यूज़ करते हैं GPS 1 में, GPS 2 में उसकी जरूरत है नहीं। ओके, लेकिन सेकेंडरी GPS के लिए हमें दूसरी केबल चाहिए रहेगी, इस GPS को ओपन करके केबल चेंज करके तब हम यूज़ कर सकते हैं। और एक बैटरी कनेक्ट करके दिखा देते हैं आपको, इसमें एक पावर मॉड्यूल है, अभी इसमें हमने बजर नहीं लगाया हुआ है तो विदाउट बजर है ये, ये पूरा सेटअप है। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं मिशन प्लानर से कनेक्ट करके इसमें यदि हम क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं या फिर हेक्साकॉप्टर, ऑक्टाकॉप्टर या फिक्स्ड विंग प्लेन बना रहे हैं तो कैसे करेंगे इसको सेटअप, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये सिंपल कनेक्शन है, अभी देख सकते हैं चूँकि ये रिसीवर हमारा ट्रांसमीटर से कनेक्ट नहीं है तो ये रेड दे रहा है, ये भी अभी ग्राउंड स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, ये जस्ट बेसिक सेटअप है, इसको पूरा कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसको भी मैं बंद करता हूँ।